कांटी में भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम लोगों को सहयोग से उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का काम करूंगा। कांटी के युवा को रोजगार मिले उसके लिए क्या कुछ कहा लोगे? कांटी के युवाओं को रोजगार मिले, हम लोगों के नेता प्रतिपक्ष युवा दिल के धड़कन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी चुनावी एजेंडा में रखे थे। आज कांटी के सम्मानित जनता द्वारा जो मेरे प्रति आस्था व्यक्त की गई थी, उसके बाद उनके आशीर्वाद और स्नेह के बदौलत मेरा निर्वाचित होने का गौरव प्राप्त हुआ। हम आपके प्रेस के माध्यम से तमाम सम्मानित जनता को कहना चाहेंगे कि आपने जो मौका दिया, उसके बाद विधानसभा शुरू हो गई थी। विधानसभा के बाद हम तत्काल क्षेत्र में काफ़ी लगन चल रहा था, व्यस्त हो गए थे, लगन से फ्री हुए हैं। हम तमाम कांटी के सम्मानित जनता के बीच खुद एक कार्यक्रम लेकर के बढ़े हैं, वो कार्यक्रम का नाम है आभार यात्रा सह जनसंवाद कार्यक्रम। प्रत्येक पंचायतों में बारी बारी से हम आभार यात्रा पर निकलेंगे और जनसंवाद कायम करेंगे। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण इलाकों में जो भी समस्याएं हैं, उन तमाम समस्याओं को हम सूचीबद्ध करेंगे, हम उस समस्याओं के बारे में जानेंगे और जितने भी सरकार के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं कार्य योजना जनता के लिए, उन तमाम योजनाओं के बारे में क्या उसमें बुराइयां हैं, उन तमाम चीज़ों को हम रिकॉर्डिंग करने का भी काम करेंगे। जैसे कि आवास योजना में क्या हो रही है, बिजली की क्या स्थिति रहती है, सड़क की क्या स्थिति है, जन वितरण प्रणाली का क्या स्थिति है, इन तमाम योजनाएं, दाखिल खारिज में क्या प्रॉब्लम है, प्रमाण पत्र बनाने में हमारे जनता को क्या परेशानी उठानी पड़ती है, इन तमाम चीज़ों को हम सूचीबद्ध करेंगे। जनता के बीच से हम उसका नकारात्मक पहलू को उजागर कर वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे। उसके बाद हम बीच बीच में प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, नगर पंचायत कार्यालय, तमाम कार्यालयों के और संबंधित विभाग के को हम समीक्षा भी करेंगे। और जो 15 सालों से जो कांटी में भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम लोगों को सहयोग से उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का काम करूंगा। शिकायतें आ रही हैं, हम उसको देख रहे हैं, बिंदु बार शिकायत का हम एक बार खुद फिर आप लोगों को बुलाएंगे। पहले जो इस शिकायत आ रही है इंडिविजुअल शिकायत है, हम लोगों के बीच में इसीलिए जा रहे हैं, शिकायत के भी कई पहलू होते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है उन तमाम चीज़ों को हम पूर्ण रूपेण जानकारी ले लेंगे, तब हम आपको बताएंगे। बहुत सारी शिकायतें हैं, उस पर मेरा ध्यान केंद्रित है, हम उस शिकायतों को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। कांटी के युवा को रोजगार मिले उसके लिए क्या कुछ कहा लोगे? कांटी के युवाओं को रोजगार मिले, हम लोगों के नेता प्रतिपक्ष युवा दिल के धड़कन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी चुनावी एजेंडा में रखे थे कि यदि हमारी सरकार बनी तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, पहली कैबिनेट में पहली कलम से। दुर्भाग्य है कि लोगों ने लोकतंत्र की गला घोटा, लेकिन मेरा मानना है कि तमाम बिहार के बेरोजगार युवा, शिक्षित बेरोजगार जितने भी थे, तमाम लोगों ने, दलित, किसान, मजदूर जो भी लोग थे, हम लोगों को पार्टी के प्रति विश्वास देने का काम किया था। आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का हिसाब से वोट भी देने का काम किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वोट का अपहरण किया गया और गलत तरीके से यह सरकार बनाई गई है। लेकिन
हम असान्वित हैं, हम असान्वित इसलिए हैं कि हम लोग यहाँ कांटी विधानसभा में एक प्रमुख एनटीपीसी यूनिट है, हमारे लिए गर्व की बात है। और हमारी मुलाकात अभी जो मुंडा साहब आए हैं, जो एनटीपीसी के सीईओ हैं, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और मुझे विश्वास है कि हम लोगों की भावना को समझेंगे, कांटी के बेरोजगार युवा की भावना को समझेंगे और निश्चित तौर पर जो भी हो सके उसमें उनको अवसर मिलने का काम होगा। सरकार की जो योजनाएं जो चल रही है जनहित में, उसको लेकर आप भी इसी समाज से आते हैं, क्या लग रहा है? बिहार सरकार की जितना ही योजना है, जो अगर है तो उसमें लूट है। जैसे नल जल योजना, उसमें काफी व्याप्त भ्रष्टाचार है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और सरकार पीठ थपथपा रही है। उन्होंने दहेजबंदी लागू किया, आप भी समाज के लोग हैं, समझ सकते हैं कि इसका क्या प्रभाव है। उन्होंने बालूबंदी लागू किया था, क्या हुआ? हजारों लाखों में मजदूर बेरोजगार के शिकार हुए, भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई और आज भी बालू का रेट बढ़ ही गया लेकिन घटा नहीं। दारूबंदी लागू किए हैं लेकिन स्थिति यह है कि पहले से ज़्यादा आसान दारू उपलब्ध होता है। आप किसी रेस्टोरेंट में आप और बोलते हैं कि हमको पिज्ज़ा भेज दीजिए, हमको बिरयानी भेज दीजिए, और जिस तरीके से घर बैठे आपको सेवा मिलता है, बिहार में इसी तरह से आज शराब का भी सेवा मिलता है। आप सूचना कीजिए, घर बैठे आपको शराब मिल जाएगा। यही दारूबंदी है, यही सरकार के एक पत्र लिखे थे शराबबंदी कानून को खोलने के लिए, कि आप लोग भी इस तरह का पहल करेंगे? देखिए, हम दारूबंदी के पक्ष में हैं, नशा मुक्त समाज हो ये बहुत अच्छा व्यवस्था है और हम निश्चित तौर पर चाहेंगे कि नशा मुक्त हमारा समाज हो। लेकिन सरकार को वास्तव में समाज हित में नियत भी रखना चाहिए। आज हमारा कई हजार करोड़ रुपया शराब से हमारा आय था, लेकिन आज क्या हो गया? आज वो आय कहाँ जा रहा है? उससे भी बड़े